फायदा ये इसलिए होता है कि जिस कौम के लोग नाजुबा हो जाते हैं उसके महान पूर्वजों का सुयस मिट्टी में मिल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को कहा था, लड़ ले, यदि नहीं लड़ेगा तो तेरी चारों ओर से अपकीर्ति होगी और तेरे जो महान पूर्वज स्वर्ग में है वो भी वहां से गिर जाएंगे। आज हमने भी हमारे महान पूर्वजों को स्वर्ग में से गिरा दिया है। आज लोग राम को कुर्मी और कछावा का कुल के होने के बावजूद उनको कहते हैं काछी है। बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं और इन नेताओं ने माफ करना हमारे समाज का नाश कर दिया है। इसीलिए मैं आजकल कहता हूं कि ये नेता ही समाज को बर्बाद करते हैं। मैं आतंक के हसीने में और उस आतंक को हरेक युवा के सीने में लगाना चाहता हूं। नरू का न्याय कटारी बांध है और तखत का धड़ी तू पैर खा दे, ये बात राव नरीब जी से लेकर आज तक फेमस है। तखत का धड़ी होगा योगी जी, लेकिन मैंने साफ कह दिया था, आपको भी पता है, यदि आप दादरी में जाकर उद्घाटन करके आए तो दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन यह समाज आपको मठ में वापस भेज देगा। और योगी जी ने इस बात को समझा और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, 40 मिनट की गोपनीय मीटिंग थी पर आज उस गोपनीयता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नेता, हमारे विधायक और आगे आने वाले विधायक डरते हैं, उनको गलतफहमी है। वो समझते हैं राज केवल जब हो सकता है जब इस समाज को पलीदा लगा दे। योगी जी के साथ सीआईएसएफ के गेस्ट हाउस में जो मीटिंग हुई उसमें यह तय हुआ था। उन्होंने कहा हम हार जाएंगे। मैंने कहा कैसे हार जाओगे? बोले उनके वोट हैं। मैंने कहा 0.6% वोट है, 0.06% कैसे हार जाओगे? मैंने उनसे यह भी कहा ये समाज बदला लेना नहीं जानते हैं। वसुंधरा जी ने 73 लोगों को आंदोलनकारियों को भून दिया और इनके सबसे बड़े नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला टिकट ले आए, वो समाज आज तक बीजेपी को वोट दे रहा है। लेकिन मेरा समाज बदला लेना जानता है। 163 सीट थी राजस्थान में बीजेपी की, मोदी जैसा केंद्र का नेतृत्व और वसुंधरा जैसा राजस्थान का नेतृत्व, मेरे एक रावणा भाई को गोली मार दी थी आनंद पाल, और हमने दिखा दिया कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। ठीक है, 0.5% ही आए, ये लोग समझते हैं कि हमारी इस वाणी से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमारी इस वाणी से 0.5% आता है, सिर्फ 0.5%। और वसुंधरा जी अटक गई 73 पे और स्वाभिमान जीत गया। भले ही वो कांग्रेस जीती हो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, कांग्रेस से लड़ना चाहिए बीजेपी को, हम तो बाद में लड़ेंगे ना, जनता बाद में लड़ेगी, पहले पार्टियां लड़ेंगी। मैंने योगी जी को यह गणित समझाया कि आप ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर के दिन 50, 60, 100 केवल बिसेड़ा में 500 है। मैं आपको बता देता हूं एक गांव से वाकई 500 से ज्यादा वोट नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन आपका जीत का गणित बिगड़ जाएगा, ये आप देख लेना। योगी जी ने उस दिन से एक शब्द को अपनाया, दिया तो उनको विपक्षियों ने था ठाकुरवाद, लेकिन योगी जी ने उसको लपक लिया। और यह गणित हमने दिया था कि इस बार हिंदुत्व नहीं चलेगा, केवल ठाकुरवाद चलेगा। कालजी साहब ने कहा ना ना बाबा हार जाएंगे, बाबा ने कहा हारूंगा तो हार जाऊंगा, जीतूंगा तो जीत जाऊंगा, पर यह मैं प्रयोग करूंगा और यदि मैं जीता तो पूरे देश में यह प्रयोग करूंगा। दोस्तों एक बात बताना, ठाकुर डीके ठाकुर जी आप इस पे गाना भी लिखना, क्या उस चुनाव में 10 मार्च से पहले विपक्ष के निशाने पर हिंदुत्व था या ठाकुरवाद था? बताइए, केवल ठाकुरवाद था, विपक्ष के निशाने पर था, अमित शाह की टीम के निशाने पर था और बीजेपी में योगी विरोधी टीम के निशाने पर भी ठाकुरवाद था। संजय सिंह ने यह वर्ड दिया था और मैं आज आपको कहता हूं मैंने यह वर्ड दिलाया था ठाकुरवाद, ताकि इनका जमीन जगे क्षत्रियों का, इनको पता चले कि इनकी औकात कितनी है। हर चुनाव हो जाता है और हम मुख्य धारा में नहीं होते, इस बार हम मुख्य धारा में, इस बार चुनाव था ठाकुरवाद
मैसेज आदर्श। यदि कोई कहे कि ये हिंदुत्ववाद का चुनाव था तो क्यों, ये हमारे जाट भाई, ये हमारे अहिर भाई, ये कुर्मी, ये कोयली, ये कश्यप, ये गुजर, क्या ये हिंदू नहीं है? ये भी तो हिंदू है, क्यों ये अपना अपना झंडा लगाकर बैठे हैं? क्योंकि ये चुनाव था क्षत्रिय वर्सेस आदर्श। मैं नहीं कहता हमारे वोट ज्यादा है, लेकिन इस देश की जनता क्षत्रियों का नेतृत्व चाहती है। ये राम राज्य से लेकर योगी राज तक सिद्ध हुआ है, और इस पर दांव पर था ठाकुरवाद और जीता ठाकुरवाद, लेकिन जीतते ही कह दिया हिंदू जीत गया, हिंदू जीत गया, हिंदू जीत गया। अच्छा फिर ये पार्टियां जो बनी है ये हिंदुओं क्यों बने? तो भाई साहब आपको बुरा लगेगा लक्ष्मीराज जी, लेकिन परसों से एक आग बनी हुई है। आपने कैसे स्वीकार कर लिया जबकि आपका मुखिया योगी जी ने स्वीकार नहीं किया? मैं आपकी आवाज हूं, बस सब शब्दों में कह रहा हूं। योगी जी ने स्वीकार नहीं किया, वो देश का मुख्यमंत्री है, और आज लिख लो वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। योगी को कोई रोक नहीं सकता, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जो दो भाई हारे हैं वो हारे हैं जिन्होंने डॉक्टर राजे सोम से कहा था बस बस पहुंचा दी जाएगी बात। धीरेन्द्र सिंह सीना ठोक के साथ था, बोलो मेरे में विधायक मेरे क्षेत्र में ज्यादा है, वोट 51,000 से जीता है, और उनका वो सम्राट वह चुनाव हार गए। तो भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, आप ठाकुरवाद पे ही रहो, इसी ने आपको जिताया है चुनाव। मुझे पता है सिकंदराबाद में किस तरह से मदन भाई जी की पार्टी के लोगों को भी आपके पक्ष में वोट दिलाया। एक गांव याद दिलाता हूं आपको, भाई मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री है दिल्ली का, उप मुख्यमंत्री है, घर में 10-5 आदमी तो होंगे, अबूता कौन सा गांव है उनका, एक वोट मिला है आम आदमी पार्टी को। अगोता में सिर्फ एक, किसको मिले वोट? वोट बीजेपी। क्यों मिले? योगी, योगी। हम वोट देते नहीं, दिलवाते हैं, हम लड़ते हैं, तब आपको कहीं विधानसभा में भेजते हैं, वहां जाकर आप समाज की नाक बनते हो, उस नाक को बचाओ मेरे भाई। हम सामाजिक है और जीवन भर सामाजिक रहना चाहते हैं, कभी ऐसा ना हो कि मजबूरी में हमको धनुष उठाना पड़ जाए, फिर 10-20 साल कोई जीते या ना जीते खाली रह जाएगी विधानसभा, लेकिन उसके बाद एक नए युग का संचार हो जाएगा। आप मना कीजिए, नहीं देते आपको वोट, वो किस चक्कर में पड़े हो आप, खुलेआम कह रहे नहीं देंगे, और फिर जब योगी जी को चिंता नहीं आपको चिंता नहीं, मत कीजिए। ये मत कहना पता नहीं था ना, ये मत कहना पता नहीं था, पता था, डर था, निकाल दो उस डर को। आप क्षत्रिय हैं, आप यदुकुल नंदन हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, किस बात से डरते हैं? कौन डरा सकता है आपको? हम बैठे ना, ये केसरिया पगड़ी वाले दिखाई संख्या में बंद भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता। और आज आपको बता रहा हूं डीके भाई, आपका ये गाना इस पर भी पड़ेगा, हीरक जयंती में भी, अभी पड़ा नहीं है। जयपुर का वो महाकुंभ, वो हीरक जयंती, जितनी भीड़ दूसरी राजनेताओं की सभा में होती है ना मोदी जी की, में इससे ज्यादा तो मेरी माता छत्राणी बैठी हुई थी वहां। ऑफिशियल आंकड़ा बताता हूं, 4.5 लाख तो रिकॉर्ड में है जिनको गांव गांव से निकाल के लाया गया। फिर हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, आप सब लोगों की तादाद तो उसमें नोटेड नहीं है, 9 लाख का आंकड़ा है कम से कम। इससे भी बड़ी बात, उस मंच पे कांग्रेस, बीजेपी, दो पार्टी राजस्थान में, बीएसपी का भी कुछ 70% है, सब बैठे हुए थे, लेकिन वो भाषण नहीं दे सकते थे। भाषण कौन देगा? क्षत्रिय युवक संघ का स्वयं सेवक। ठीक है, प्रताप सिंह खाचरियावास आज मंत्री है कांग्रेस में, पर है तो हमारे स्वयं सेवक। भाई राजेंद्र जी राठौड़ विपक्ष के उपनेता है, बीजेपी के हैं, पर है तो हमारे स्वयं सेवक। हमारे जितने भी स्वयं सेवक थे केवल उन्हीं ने भाषण दिया, और एक लाइन में दिया, एक विषय में दिया, ऊट पटान बात नहीं। मीतली, खट्टा, डोला, इन तीनों नामों को लेने के बाद आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है। आज मीतली, खट्टा, डोला की धरती पर आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं।
यदि ये गांव धार ले तो सारे जिला एक तरफ और ये तीन गांव एक तरफ। भाई गलत कह रहा हूं तो बता दे, कछवाहा मेरे कुल के इसमें है। किसमें है मास्टर जी? कछवा मीतली में। अरे नाम हमारा मीतली है साहब, हमें पता है। अच्छा आप भी कछवा है। सिसोदिया यहां है और शायद सोम दाइमा दाइमा यहां है। तीनों कुल के क्षत्रिय हैं। मानसिंह जी को गाली दे गए योगी जी, इस कचरा को पड़ गए। अरे मानसिंह नहीं होता तो भाई साहब सारे के सारे यहां इस्लामीकरण हो चुका होगा। मानसिंह का गठबंधन था अकबर से, और जो योगी जी ने अतिरेक में कहा कि बुहा दे दी, अरे महाराज पढ़ लिया करो। और एक कह रहे थे मानसिंह जी से संबंध नहीं रखा प्रताप ने, तुरंत निकाल के बताया मैंने, मानसिंह जी के छोटे भाई थे सहसमंत, उनकी बेटी थी राजकुमारी दमयंती, हल्दी घाटी के 30-25 साल बाद महाराणा प्रताप ने अपने भाई की बेटी का कन्यादान मानसिंह के बेटे जगत सिंह के बेटे महासिंह से किया, अर्थात उनमें वैवाहिक रिश्ते आज तक लगातार है। कौन बोलता है उनमें संबंध नहीं था? चार रिश्ते हुए हल्दी घाटी से, चारों बार बेटी मेवाड़ की कछवा कुल में ब्याह गई है, अर्थात उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग। मैं बताता हूं क्या करता हूं, वो हमारा संक्रमण काल चलता। और यदि हम तोपों के आगे तलवार चलाते रहते तो भाई राणा सांगा के नेतृत्व में सारे देश का क्षत्रिय और पहले आए मुसलमान जो लोधी थे और जाट गुर्जर भाई मीणा सब लोग मिलकर भी बाबर को नहीं हरा पाए, क्योंकि बाबर के पास क्या थी? तो हमारे पास क्या था? तलवार लाठी भाला। इस मानसिंह ने ही अफगानिस्तान से उन तोपचियों को बुलाया और सारे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के राजाओं को एक एक तोपची दिया, जिसको आप हकीम खान सूर कहते हो, महाराणा प्रताप का सेनापति, वो भी तोप थाने का ही इंसान। मानसिंह और महाराणा प्रताप और चंद्रसेन राठौड़ राव सुल्तान, इन सब में अंडरस्टैंडिंग थी। कोई अंदर घुसकर लड़ता था जैसे आज योगी जी बीजेपी में घुसकर लड़ रहे, वो भी लड़ रहे समाज के लिए। कोई बाहर लड़ता था सामने खड़ा हो गए जैसे राणा प्रताप लड़ रहे, कोई कभी बाहर कभी अंदर जैसे जोधपुर वाले हैं, कभी रावचंद्र सिंह अकबर के खिलाफ करते तो मोटा राजा उदय सिंह संधि कर देते। ये एक रणनीति थी कि कैसे भी करके इस तकनीकी युग में हम महारत हासिल करें। और जैसे ही महारत हासिल हो गई, महाराज शिवाजी राठौड़ दुर्गादास सवाई जय सिंह द्वितीय राम महाराणा राज सिंह, इन्होंने क्या कहा? औरंगजेब के बाद जय सिंह जी को सम्राट बनाया जाए, दिल्ली का शासन अपने हाथ में लिया जाए। लेकिन जय सिंह जी ज्योतिषी थे, बहुत ही ग्रहों का ज्ञान रखते थे, उन्होंने कहा अभी तो देव सो गए, देव उठने 11 बार सिंहासन लेंगे। तब तक तीन बादशाह बन गए और फर्रुख सियार को महाराजा अजीत सिंह मारवाड़ ने उसका गर्दन काट के किले पर लगा दिया था, इस लाल किले पे। पर हमको कोई इतिहासों को पढ़ाता नहीं, हमारा इतिहास हमको खुद जानना पड़ेगा, वरना हम अपने ही महापुरुषों को गाली देते हैं। महाराज जयचंद को बदनाम किया जाता है क्योंकि माधव भट्ट को बचाना होता है, नित्यानंद खत्री को बचाना होता है, प्रताप जैन को बचाना होता है, इसलिए धर्मायन कायस्थ को बचाने के लिए महाराज जयचंद को बदनाम किया। और जब इस अयोध्या के मंदिर की बात आई तो वो महाराज जयचंद ने ही बनवाया। अब ताजमहल की बात कर रहे हैं, ये सिकरवार राजाओं ने जिनको गुर्जर प्रतिहार कुल क्षत्रियों का कहते हैं बड़गुजरों ने बनवाया था, और पृथ्वीराज कछवाहा आमेर वाले ने इसको अपने हाथ में लिया था जब राणा सांगा और बाबर के युद्ध। ये सारी चीजें ये हमी से लेना चाहते हैं और हमको गाली देना। राज ठाकरे आ रहा है राम जी के दर्शन करने। कुछ दिन पहले इसी राज ठाकरे ने हमारे इस पूर्वांचली भाइयों को, इस हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को तड़ा तड़ा कर मुंबई की सड़कों पर मारा। आज वो राम जी के बेटों से लड़कर राम जी के दर्शन करना चाहता है। ये समझने की बात है, राजनीति से ऊपर उठकर बात सोचिए। मेरी बात कड़वी है, जिसको भी बुरी लगी हो क्षमा करें, हालांकि मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा क्योंकि मैं इसी बोलने के लिए समाज द्वारा नियुक्त हूं। मैं विधायक जी से भी क्षमा चाहूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप फिर से एक ऐसा काम करके दिखाएंगे कि लोग कहेंगे हमारा लक्ष्मीराज भैया, हमारा लक्ष्मीराज भैया। एक बार मेरे साथ कुछ महापुरुषों की जयकार लगा दीजिए, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, और लक्ष्मण जी महाराज।
बिहार वालों की भी बोल दो, इनने भी बहुत मेहनत की है, ठाकुर रोशन सिंह की और यहां के इन तीनों खेड़ा की, खट्टा ढोला मीतली की और आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय छात्र।